हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप अपने फोन के ईयर पीस के थ्रू किसी भी सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, कुछ इस तरह। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस में तो इस वीडियो को कम्प्लीटली शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने ईयर पीस के थ्रू किसी भी सॉन्ग को कैसे प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है स्टेल्थ प्लेयर। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो डायरेक्टली वहां पे आप क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इसका आइकन आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो सिंपली इसको आपको ओपन करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपसे कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा, तो सभी परमिशंस को अलाउ कर दें। उसके बाद जैसे ही आप सभी परमिशंस को अलाउ कर देंगे, ये सिंपली ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारे मेरे सॉन्ग्स हैं वो दिख रहे हैं, जितने भी मेरे फ़ोन में सॉन्ग्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ कि ये जो मैं सॉन्ग प्ले करूँगा वो कौन से स्पीकर से चलता है। तो दोस्तों, चलिए मैं सिंपली एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने सॉन्ग प्ले कर दिया है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि ये कौन से स्पीकर से ये सॉन्ग प्ले हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जिस स्पीकर से हम कॉल पे बात करते हैं, यानी कि जो ईयरपीस होता है, वहाँ से सॉन्ग प्ले हो रहा था। तो ये आपके बहुत जगह काम आ सकता है, जैसे कि आप भीड़ में खड़े हैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सुननी है अपने फ़ोन में से, और आप नहीं चाहते कि भीड़ का कोई भी आदमी उस चीज़ को सुने, तो आप इस ऐप का यूज़ करके किसी भी सॉन्ग या किसी भी ऑडियो को प्ले कर सकते हैं, जिसके बाद वो ऑडियो सिर्फ ईयरपीस से प्ले होगा, जिसे आप अपने कान पे लगाकर सुन सकते हैं कि उस ऑडियो में क्या है, और कोई और दूसरा आदमी उसे नहीं सुन पाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही यूज़फुल ऐप हो सकता है अगर इसका यूज़ सही तरीके से किया जाए। तो दोस्तों, यही था वो इंटरेस्टिंग सा ऐप जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऐप पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।